स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हां, लपेटे में नेताजी में। नया साल और फिर नए सिरे से लपेटे जाएंगे नए नेताजी। जी हां, हमारे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी से राजीव पांडे जी, कांग्रेस से अनिल यादव जी, मंच पर एक तरफ दमदार बनारसी विनीत पांडे और गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, अनिल अग्रवंशी और हेमंत पांडे। तो पहला बार किधर है नए साल में? नए साल में बार सर जहां कह दें हम तो वहीं वार करने को तैयार बैठे, बस नेता तैयार हो जाएं हमारे। 2024 का पहला एपिसोड और हम लोग इतने उत्साह, इतने ऊर्जा से भर गए हैं जिसका कोई हम अपने हवा पर शब्द नहीं है। और इस साल भी हम नंबर वन रहेंगे, ऐसी हम हमारी मेहनत होगी और लगातार नंबर वन बने चले आ रहे हैं। दो खुशी है, एक तो हम नंबर वन बने हुए और दूसरी उससे बड़ी खुशी है कि 22 तारीख को इस सदी की नहीं, 5 सदियों की सबसे बड़ी दीपावली मनाने जा रहा है देश। हमको भी बुला लेना। अरे तुम्हारे बिना थोड़ी जाएंगे। विपक्षियों की हालत लेकिन बहुत खराब है। देश दीपावली मनाने की तैयारी कर रहा है और विपक्ष छाती पीटने से ही फुर्सत नहीं। मैं शुरू करता हूं सर, यहां से अनिल जी सुनिएगा जी, आपका स्वागत करता हूं। स्वागत भैया। इंकी पिंकी पक्षी सारे ही विपक्षी, भेजा फ्राई नॉट टू फ्लाई ऑलवेज क्राई। ईडी का पिंजरा है, पिंजरे में तोता है, 24 में देखते हैं इनका क्या होता है, 24 में देखते हैं इनका क्या होता है। सुनना गौरव, के नादानियों की भरमार है, आपस में इनकी तकरार है, दिख रहा 24 में मोदी से इनकी फिर हार है। मोदी जी हट जाएं कपड़े, ऐसे कोई धोता है, 24 में देखिए इनका क्या होता है, 24 में देखिए इन। और सारे विपक्षी कर क्या रहे हैं के राहुल मुरब्बा डलवा रहे, बना रहे थे अभी, अखिलेश पंचर बनवा रहे, माया बुआ का हाथी घर का रहा ना घाट का, और एक झाड़ू वाला है जागता न सोता है, 24 में देखते हैं इनका क्या होता है, के बकरों के जैसे मिमिया रहे, मंदिर बना तो खिसिया रहे, देश की दीपावली पर इन सभी के दिल जल रहे। बरनौल ले जाओ दर्द कम होता है, और 24 में देखते हैं इनका क्या होता है, 24 में देखते हैं इनका क्या होता है। और आज की मेरी दूसरी प्रस्तुति, मैं कविता सुना रहा हूँ, एक कविता मैं आपको सौंपता हूँ और एक बड़ा काम होने जा रहा है और हम तो बचपन से प्रतीक्षारत थे, वो देख रहे हैं, ये हमारा इस जीवन का सौभाग्य होगा। सुनिएगा। न केवल मंदिर का निर्माण, न केवल पूजा विधि विधान, न केवल भक्तों के भगवान, ये होगा उन सब का सम्मान, योग में देह दे गए दान, शिला में समा गए जो प्राण, ये सूचित हो इतिहासों को, बिछा कर अपनी लाशों को, समय की कड़ी कसौटी पर खरी उतरी जो निष्ठा है, राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। बस यही समर्थन चाहिए था।
कि जहां पर एक तरफ दन दन बंदूकें सरकारी आक्रोश, ये दृश्य आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है, कि जहां पर एक तरफ बंदूकें दन दन सरकारी आक्रोश, दूसरी ओर राम भक्तों के अंतिम बलिदानी जय घोष, गिराकर रक्त का अंतिम अंश, गिराकर रक्त का अंतिम अंश, कर दिया कब्जे का विध्वंस, अवध की माटी से जो जोड़ गए उस खून का रिश्ता है, राम के नाम लुटा गए प्राण, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, राम के नाम लुटा गए प्राण, उनकी प्राण प्रतिष्ठा। सुनिएगा आखिरी सुनाता हूं, कहीं स्वर महादेव बम बम, अरे कहीं स्वर महादेव बम बम, कहीं डमरू बाजे डम डम, कहीं जय श्री राम उद्घोष, महासागर के ज्वर सा जोश, चढ़ गए गुंबद पर जब शेर, चढ़ गए गुंबद पर जब शेर, कर दिया ढांचा पल में ढेर, हृदय में चुभता था जो शूल, उसे हाथों में ले त्रिशूल, युगों तक याद रखी जाने वाली दी अग्नि परीक्षा है, राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा है गीत, अच्छा है। हाँ, राजीव पांडे जी, सब कुछ अच्छा है लेकिन कुछ चीजें हैं आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, ये देश की जनता समझदार है। भाजपा ने अच्छा किया होगा वो दिख रहा है, कुछ ऐसा भी किया वो भी दिख रहा है, मैं दिखा दूं। स्वागत है जनता, साथ देना, स्वागत है। पहले तो हमको फसाया, बाद में फिर ठेंगा दिखाया, भाजपा तो बड़ी वो है, भाजपा तो बड़ी वो है, स्वच्छ अभियान क्या चलाया, रोजगार कर दिया सफाया, भाजपा तो बड़ी वो है, भाजपा तो बड़ी वो है, तेल देखो या कोई सेल देखो, कितनी महंगी हवाई है ये रेल देखो, अरे काम देखो हो इनका नाम देखो, इनके राज्यों में बिजली का दान देखो। अब तालियां उठ जाए, रुक जा यार, पहले सुनो। इनके राज्यों में बिजली का दान देखो, रबड़ी का सपना दिखाया, और नींबू का पानी पिलाया, भाजपा तो बड़ी वो है, भाजपा तो बड़ी वो। टेंशन नहीं इन्हें, अटेंशन नहीं, अब किसी की पुरानी कोई पेंशन नहीं, पता है आपको पुरानी पेंशन खत्म कर दी। टेंशन नहीं इन्हें, अटेंशन नहीं, अब किसी की पुरानी कोई पेंशन नहीं, यहां हुई कि वहां हुई, आए दुगनी किसानों की कहां हुई, ओ आए दुगनी किसानों की कहां हुई। फिर से तालियां। गौशाला गौशाला गाया, खेतों में सांड को घुसाया, भाजपा तो बड़ी वो है, भाजपा तो बड़ी वो है। इतने अच्छे लोग हैं ये, धोती का कह के बुलाया, और रूमाल भी मेरा छिड़ाया, भाजपा तो बड़ी वो है। और अगर आप वो हुए, वो बने रहे, तो जनता वो कर देगी। जनता वो ना करे इसलिए मैं आपको वो सुना रहा हूँ। स्वागत है भाई, आपको भी बड़ा वो देना है, सुनिएगा। आपको चेता रहा हूं कि जनता विपक्षियों की सुनना ले, अगर ऐसा करते रहे तो जनता है भाई, आनंद लेना। कि जनता विपक्षियों की सुनना ले, सुनना ले कहीं सुनना ले, राहुल जी को चुनना ले, चुनना ले कहीं चुनना ले, कोई जादू मंत्र नहीं चल पाएगा, चक्कर नहीं, जनता विपक्षियों की सुनना ले। इनके इनके ताजे ताजे कर्म देखो,
इनके हर एक बिल पर मचे बवाल, ड्राइवर तक कर देते हैं हड़ताल, दीन दुखी का ना रखते हैं ध्यान, धरने पर रहते मजदूर किसान, सब पस्त हैं, ये मस्त हैं, यहाँ चोट है वहाँ खोट है, हाल करो बदतर नहीं चल पाएगा चक्कर नहीं, जनता भी पक्षियों की सुनना ले कहीं सुनना ले, राहुल जी को चुनना ले। और ये कर क्या रहे हैं भाजपा का एक ही काम सुबह शाम, विरोधियों का दमन है इनका काम, वाह ईडी को कर डाला रे बदनाम, क्या बात है गौरव, क्या कह रहे हो, अब ताली उठाना कि दूजे दल का अपराधी संगीन, भाजपा में आके हो जाए क्लीन, अरे भाजपा में आके हो जाए क्लीन, सब जान के ये मान के खुल कर कहें सब ठान के, ये वॉशिंग पाउडर नहीं चल पाएगा चक्कर नहीं, जनता विपक्षियों की सुनना ले भाई सुनना ले, राहुल जी को चुनना ले। तो पांडे जी ये भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, गौरव जी ने एक बात कही, इनको भी पता कि कहीं चुनना ले, ये भी कॉन्फिडेंट नहीं है, इनको भी पता है। दूसरी बात इन्होंने, आप उनकी कमजोरी के भरोसे बैठे हो? बिल्कुल नहीं, मैं बताऊं, देखिए ऐसा है, अभी तो गौरव जी ने एक और बात जो मिस इन्फॉर्मेशन था, खाली उसको करेक्ट कर देता हूँ, ओपीएस हमने नहीं छीना है, ओपीएस 2005 में कांग्रेस सरकार ने छीनी थी, पहले ये बात। अब जहां तक बात है कि कॉन्फिडेंस होने की बात है, देखिए हम लोग कॉन्फिडेंट है अपने काम के ऊपर और काम कर रहे हैं आपके ही शो में। मेरे हिसाब से जब हिमाचल जीत करके थे, कांग्रेस के एक प्रवक्ता आए थे तो उन्होंने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान अब मतलब बदल गया है, ये हो गया वो हो गया, मैंने उनको समझाने का प्रयत्न किया था कि अरे हमारे लोग बाहर चले गए थे, 10% वोट आ गया इसलिए अब चुनाव जीत गए हिमाचल में, अभी देख लीजिए क्या हो रहा है। जहां तक बात है कॉन्फिडेंस हमारा काम पर, मोदी जी की जो गारंटी है उनका काम है उस पर कॉन्फिडेंस है, जनता के बीच में जो काम हो रहा है। अब इन्होंने इतने देर तक, इतना हास्य कवि है, बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी है। मेरा मानना है कि देश में 140 करोड़ आदमी है तो मैं नहीं कह सकता कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले और आज की क्या स्थिति है, पहले रोड की क्या स्थिति, आज रोड की क्या स्थिति, पहले जो पर कैपिटा इनकम था आज वो पर कैपिटा इनकम क्या है, पहले जो महंगाई थी उसमें आज क्या स्थिति है, पहले जो परिस्थिति थी आज 1,65,000-70,000 करोड़ हर महीना जीएसटी कलेक्शन है, तो कोई तो गुड्स एंड सर्विस खरीद करके टैक्स पे कर रहा है, कोई अपने घर से तो आ नहीं रहा है। इन्होंने कहा कि भाई आपको कंपेयर करना चाहिए, महंगाई अब है तो पहले कितनी थी, अरे भैया आज सिलेंडर 1100 का है, पहले 400 का होता था, पहले पेट्रोल डीजल 60 के होते थे अब 100 पार होने जा रहा है, डॉलर की क्या स्थिति है, ये है असली आंकड़ा जो आप सब लोग इसको रिलेट कर पाएंगे और ये है सच्चाई जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बताती है। दूसरा, क्योंकि मैंने देखा, मुझे गौरव जी की एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि भाई ये मस्त है और जनता पस्त है, यही हकीकत है। एक लाइन अच्छी लगी बस, बता दो। दूसरी बात, पहले क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते आए हैं और ये आप सब ने सुना होगा, एक दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, ये होता था हमारी दादी नानी सब ने सुनाया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया है तो आज के दोहे ऐसे हैं, राम नाम पर लूट है, राम नाम पर लूट है, जमीन हड़पने और चंदा खाने की छूट है, लेकिन 2014 में जनता समझ गई खेल और कह रही मोदी मतलब झूठ है। अभी भगवत मान जी ने एक बयान दिया कि कांग्रेस की कहानी दादा नानी सुनाया करेंगे, जैसे भैया ने भी बताया दादा नानी की बात है, तो वहीं से एक पैरोडी है सुनना, कांग्रेस का इतिहास 2000 के बाद, पहले वाला नहीं जब तक कांग्रेस ऊपर थी, नीचे वाला इतिहास सुनिएगा। स्वागत। के एक था पंजा एक समय में, टंक डंग डंग टंक डंग डंग टंक डंग डंग, एक था पंजा एक समय में, नंबर वन पर रहते थे। अब इशारों में समझना,
एक दफा एक पीएम आए, मौन रहे पर बोल न पाए। एक दफा एक पीएम आए, मौन रहे पर बोल न पाए। मैडम से इतना डरते थे, कितना डरते थे मैडम से इतना डरते थे, मन की बातें खोल न पाए। जनता सारी जान चुकी थी कुर्सी का अधिकार कहाँ है। पीएम तो बस कठपुतली है, पर असली सरकार कहाँ है। पर असली सरकार कहाँ है, भीतर से वो रोते रहते, भीतर से वो रोते रहते, मुंह से कुछ नहीं कहते थे। एक था राजा एक समय में, एक था पंजा एक समय में। म्यूजिक टंग टंग डंग टंग कडंग डंग टंग कडंग डंग टंग कडंग डंग टंग कडंग, ये जरूरी है। अनिल जी सुनो, इतिहास बता रहा हूं आपका, कहां से तरक्की करनी है आपको। फिर दिल्ली में झाड़ू आई, फिर दिल्ली में झाड़ू आई, पंजे का कर दिया सफाया। सीएम का जब हुआ इलेक्शन, कांग्रेस के अंडा आया। सीएम का जब हुआ इलेक्शन, कांग्रेस के अंडा आया। पंजे को मालूम नहीं था अपना दुश्मन बन जाएगा। मुफ्त में चीजें बांट बांट कर इसका जादू चल जाएगा, इसका जादू चल जाएगा। रोज रोज की हार देख कर आंख से आंसू बहते थे। एक था पंजा एक समय में, आगे टंग टंग डंग टंग टंग डंग टंग टंग डंग टंग टंग डंग। अब सुनिए कहां पर कहां पहुंच गई कांग्रेस और कहां से चली थी साहब, कि फिर सत्ता में मोदी आए, फिर सत्ता में मोदी आए। रोज नया इतिहास रचाया, कांग्रेस ने सबसे ऊपर राहुल का चेहरा दिखलाया। उनकी बातें रास ना आई, वंशवाद को दिया बढ़ावा। धीरे धीरे लुप्त हो गए, पंजा लौट के फिर नहीं आया, पंजा लौट के फिर नहीं आया, पंजा लौट के फिर नहीं आया। उनको भी मोदी भाग गए जो, उनको भी मोदी भाग गए जो, पंजा पंजा कहते थे। एक था पंजा एक समय में, एक था पंजा एक समय में, नंबर वन पर रहते थे। क्या बात है, क्या बात है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, एक दो मुक्तक सुनिएगा साहब, सुनिएगा। कि कितना सुंदर सजा राम का धाम है, कितना सुंदर सजा राम का धाम है। हर जुबां पर बसा राम का नाम है, सारी दुनिया ही अब राम में हो गई। जिस तरफ देखिए राम ही राम है, जिस तरफ देखिए राम ही राम है। और एक भविष्यवाणी कर रहा हूं 2024 की, कि राम को लाने वालों का आभार है, राम को लाने वालों का आभार है। प्यार उनसे जिन्हें राम से प्यार है, प्यार तुम भी
रहो त्यार हम भी रहे, त्यार तुम भी रहो त्यार हम भी रहे, इस दफा देखना 400 पार है, इस दफा देखना 400 पार। वाह बहुत बढ़िया इन्होंने कविता सुनाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को पब्लिक कतारों में ही पसंद आती है। हर कुछ कुछ दिन पे भाजपा ऐसा कोई काम करती है कि लोगों को लाइन लगाना पड़ जाता है। अब कविता सुनिए साहब। स्वागत है भाई। स्वागत है। भाजपा के फैसलों से जनता में रोष उत्पन्न हो जाता है। वैसे तो बीजेपी दूरदृष्टा है, पर कभी कभी दृष्टि में दोष उत्पन्न हो जाता है। बढ़िया बढ़िया। कृषि कानून हो या हिट एंड रन, बिना चर्चा कोई कानून बनाता है क्या? पहले आंदोलन, फिर बातचीत, फिर रोक, ये बार बार बैकफुट पे जाने में मजा आता है क्या? बढ़िया बढ़िया। होंगे खुश होंगे, ये मजा आता है क्या? आप ड्राफ्टिंग से पहले डिस्कशन पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं और सबके फायदे वाला ही कानून बनाते हैं, तो फिर वापस क्यों ले लेते हैं? वापस क्यों ले लेते हैं? अच्छा मजे की बात देखो, भाजपा के कानून में एक खासियत है, जिसके लिए कानून बनाते हैं वही हंगामा काटते फिरता है, जिसके लिए कानून बनाते हैं वही हंगामा काटते फिरता है। ऐसा गोला हवा में क्यों उछालते हैं जो अपने ही सिर पे आके गिरता है? अपने ही सिर पे आके लोगों के हित की बात करते हैं तो सोच समझकर फैसले लीजिए। इलेक्शन का समय है, बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मत दीजिए। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि रूठे हुए नेताओं को मनाएगी, ये सोचने वाली बात है। ऐसा क्या हुआ कि सब हो रहे हैं भाजपा से रुष्ट? बाहर जनता दुखी है, अंदर नेता असंतुष्ट। बाहर जनता दुखी है, अंदर नेता असंतुष्ट, पर क्या किया जाए? पार्टी की अपनी मजबूरी है, पब्लिक दुखी रहे तो रहे, अपने को तो नेताओं को मनाना ज्यादा जरूरी है। बढ़िया बढ़िया। नेताओं को मनाना ज्यादा जरूरी है, और बीजेपी दूसरी पार्टियों से भी नेता लेगी, बताओ? सीधा सा फंडा है, या तो सस्पेंड होकर बाहर बैठो, नहीं तो बीजेपी में आओ। अच्छा एक खबर उड़ी कि पेट्रोल के दाम 8-10 रुपए कम होंगे, लोगों के मुंह से वाह वाह निकली, पर भाजपा के राज में राहत की खबर भी अफवाह निकली। क्या बात है, राहत की खबर भी, बहुत बढ़िया। भाजपा के राज में राहत की खबर भी अफवाह निकली। दो चार चीजें ठीक हुई हैं, हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, दो चार चीजें ठीक हुई हैं, पर असली प्रॉब्लम्स के हल अधिक नहीं रहे। अच्छे दिन 10 साल से सुनाई तो दे रहे हैं, बस दिख नहीं रहे। और अंतिम पंक्ति देता हूं भाई, मजा है तो उठाना, दिख नहीं रहे हैं। जनता अपनी खुशहाली के लिए करती रही आपकी जीत की दुआ, पर अब अपनी जेब देखकर लोग कह रहे हैं, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भाई, ये क्या हुआ? वाह प्रेमानंद। तो मुद्दा ये कि ऐसे कानून बनाते क्यों? नहीं देखिए, अगर केवल इस सेशन में जितने कानून बने उसमें एक कानून में एक सेक्शन पर ये इशू है। ये हिट एंड रन वाला जो है, ये इतना बड़ा हमने पूरे जो 3 कानून जो लगभग 100 साल से 150 साल, ये एंटिसिपेट नहीं किया था। नहीं नहीं, ये अभी भी हम मानते हैं। कृषि कानून पर भी आपको एक बात बता दें, कृषि कानून आज बहुत लोग कह रहे हैं कि कृषि कानून अच्छे थे क्योंकि उसमें जो MSP से ऊपर भी प्राइस मिलती, बहुत लोग आज डिमांड कर रहे हैं। अब हम लेके आए, अब क्या होता है कि कई बार पार्टी पॉलिटिक्स के कारण से ये सब होती है। और जहां तक ये तीनों जो एक्ट आया है नया, उसमें केवल एक सेक्शन में इशू है, जिसमें सरकार ने कहा कि अगर आप
विक्टिम को उठा करके हॉस्पिटल ले जाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। पहले क्या था कि आपने एक्सीडेंट किया, मुकदमा चलेगा। इस केस में क्या है कि विक्टिम को अगर आप उठा करके ले गए तो मुकदमा नहीं चलेगा। मैं लॉयर हूं, इस सिलसिले में भी आपको बताता हूं। लेकिन अब क्या है कि उनका कहना है कि उनके साइड को देखिए, इसलिए सरकार ने अभी होल्ड पे रखा है कि जब हम उनको उठाने जाएंगे तो मॉब लिंचिंग होती है। यह सरकार है जिसमें कहते थे कि मॉब लिंचर्स को सपोर्ट करते हैं, हमने मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान इस एक्ट में है। तो अब इस एक्ट को नहीं रोका गया है, केवल एक सेक्शन को जिसमें ये बात है, हिट एंड रन वाली बात। डिस्कस करके क्यों नहीं बनाते ये आपका? नहीं नहीं, किससे बना? हड़ताल, इतने सारे कानून बने, हड़ताल होंगे। देखिए, हमारी समस्या यही है कि भाई ये तानाशाही रवैया क्यों है आपका, जिसके लिए आप बिल बनाते हैं। आपने आज कह रहे हैं आप कि हम सारे संस्थाओं को बुलाएंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, तब आगे जाएगा। ये कानून बनाने से पहले भी तो किया जा सकता था। उन ड्राइवर्स के जो अलग अलग इनके यूनियंस हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था। दूसरी कमाल की बात देखिए कि कह रहे हैं कि नहीं, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि तीनों जो काले कानून किसानों के लिए बनाए थे, आप लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। अरे कौन तारीफ कर रहा है भाई? उसमें एक सीधी सी मांग थी, आप एमएसपी को कानून बना दीजिए ना कि भाई एमएसपी इतना देना ही देना होगा। आपने नहीं बनाया वो। आपको बता दूं कि तीनों काले कानून आपको इसलिए लेने पड़े क्योंकि 700 किसानों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने, मैं तो कहूंगा शहादत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने हित के लिए नहीं, देश के हित के लिए अपनी जानें गंवाई। 700 किसान मरे, तब जाके आप लोगों को ये सूझा कि ये काले कानून वापस लिए जाए। तो हमारा सवाल आपके इस तानाशाही रवैये से है। मैं बहुत दिन बाद आया हूं लपेटे में, मैं लगातार आता था। गौरव पूछ रहे थे बात क्यों आए, तो मैंने कहा मैं लंबी छुट्टी में गया था मध्य प्रदेश मामा के घर। आजकल वो भी छुट्टी पे चल रहे हैं, मैं भी छुट्टी पे चल रहा हूँ, मैं वहीं से आया हूँ। राहुल गांधी मुरब्बा अभी बना रहे थे, वायरल हुआ मम्मी जी के साथ में। स्थिति क्या है, जैसा भैया ने कहा, कांग्रेस की स्थिति सुनिएगा। मोदी जी से जी भर लोग प्यार करेंगे, 24 में बेड़ा उनका सभी पार करेंगे। आपकी किस्मत में राहु बैठा है इस कदर, आपका मुरब्बा तक लेने से लोग इनकार करेंगे। ये स्थिति आ गई है, ये हो गया ऐसा। ये हम क्या कर सकते हैं, चार लाइन और सुन लीजिए। अभी भगवंत मान कह रहे थे ना कि एक थी कांग्रेस, ये आगे पढ़ाया जाएगा, तो मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मैं आपके पक्ष में चार लाइन पढ़ा, सुनिएगा। दूध को आजकल वो दही कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। मान जी की बात का बुरा ना मानिए, वो जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मायावती भी बयान दे रही हैं कि भाजपा और कांग्रेस से दूर रहो। मायावती ने सत्ता भी भतीजे को सौंप दिया था, फिर भी बयान देने चली आई हैं। तो उसमें चार लाइनें हैं। भतीजे को दिया हाथी अपने पास, कब लेंगी गठबंधन का निर्णय आप खास, कब लेंगी? पूरा देश आपसे पूछता है इतना, बहन जी बताइए आप संन्यास कब लेंगी? चार पंक्तियां और। एक चिंता अखिलेश यादव को खाई जा रही है। अखिलेश जी ने अभी कहा एक बयान में कि 24 में यदि भाजपा आ गई तो मतदान का अधिकार छिन जाएगा, उनकी चिंता जायज है। और अभी लोग कह रहे हैं कि एक संविधान, एक परिधान, एक निशान होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो सकता है? अधिकार यदि छीना तो ये भूल ही होगा, अगर हम लोग वोट नहीं डाल पाए। अधिकार यदि छीना तो ये भूल ही होगा, मतलब उनका हमारे ऊपर रूल ही होगा। साइकिल, झाड़ू, पंजा, हाथी, ये सब बैन करा के बस एक निशान कमल का फूल ही होगा, केवल फूल होगा। चार अंतिम पंक्तियां। केजरीवाल जी के समय चले जाए कोई भरोसा नहीं है। जब मिलना सभी से तो राम राम बोल देना, पूछे यहां कैसे तो उनका नाम बोल देना। संजय सिंह जी हमारे गांव की तरफ के हैं, आप अंदर यदि जाना तो हमारा प्रणाम बोल देना। हमारे गाँव के है। आइए मैं चार मिसरे देता हूं, क्योंकि हम कहीं भी बैठे हों लेकिन बात जब ठीक होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों समर्थन में आता है। सुनिएगा, वो गिरजा छीन सकते हैं, ताला छीन सकते हैं, हवाला दे के मजहब का शिवाला छीन सकते हैं, हवाला दे के मजहब का शिवाला छीन सकते हैं। उन्हें रहबर समझने की कभी तुम भूल मत करना, अंधेरा चाहने वाले उजाला छीन सकते हैं, अंधेरा चाहने वाले उजाला छीन सकते हैं। एक शेर और सुनिएगा, अमीरे मुल्क कैसे देश की तकदीर बदलेंगे, अमीरे मुल्क कैसे देश की तकदीर बदलेंगे, ये हर मुंह से गरीबों के निवाला छीन सकते हैं। अमीरे मुल्क कैसे कैसे देश की तकदीर बदलेंगे, ये हर मुंह से गरीबों के निवाला छीन सकते हैं।
ये अब की बार भी सत्ता में गर्चे आ गए तो फिर हमारा हक सियासी वोट वाला छीन सकते हैं। क्या बात है, ये हमारा हक सियासी वोट वाला छीन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, एक क्षण ले चलिएगा भाई साहब। किस लीक पे डटी हुई है, हटती क्यों नहीं सरकार, ये चुनौतियों से निपटती क्यों नहीं। बस एक बात है हमारी सोच से परे, महंगाई सिर्फ बढ़ रही है, घटती क्यों नहीं। महंगाई सिर्फ बढ़ रही है, घटती क्यों नहीं। महंगाई सिर्फ बढ़ रही है, घटती क्यों नहीं। अब भाई साहब एक और जो बात कह रहे थे, सत्ता के लिए तमाम हथकंडे आपके हैं, सरकार कुछ काम तो हलाल कीजिए। कोई पूछे अपने भविष्य पे सवाल तब हक बात के लिए ना आंख लाल कीजिए। एक दमदार क्या जवाब आपको मिलेगा, आप जिम्मेदारों से जाके सवाल कीजिए। डिग्रियों का बोझ लेके खाक छानते फिरे जो, उन बेरोजगारों का भी कुछ ख्याल कीजिए। उन बेरोजगारों का भी कुछ ख्याल कीजिए साहब। समस्या ये नहीं है, समस्या ये अनिल जी, ढोलक बड़ा नहीं है मगर झाल बड़ा है, सुर छोटे लग रहे हैं मगर ताल बड़ा है। कुछ काम हो न हो भले प्रचार खूब है, नेताजी के तो नाम का भौकाल बड़ा है, नेताजी के तो नाम का भौकाल बड़ा है। कभी धर्म का हवाला, एकता की बात, कभी एक दूजे को लड़ा के जीत जाएंगे। महंगाई काम करने की बात पे तो कभी, नाम के विकास पे हुजूर आप आएंगे। धीरे धीरे सारी पोल खुल गई विकास वाली, 2024 में क्या नया गुल खिलाएंगे। हम सब लोग यही चाहते हैं जानना कि इस बार किसके सहारे वोट पाए, इस बार किसके सहारे। शुक्रिया, इस बार किसके हारे की। बस मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि आप ये मान के बैठे हैं कि ये तो हार ही रहे हैं तो हार ही जाएंगे, हम जीते रहे तो जीती जाएंगे। ऐसा नहीं मानता, राजनीति में हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे कि हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, और ये हवाबाजी यूट्यूब चैनल माहौल नहीं बनाते आप, ये जो माहौल कौन बनाता है आप देख सकते हैं। मेरा मानना है कि हम जो भी काम करते हैं वो जनता आज हमसे और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना उनसे कम समझदार नहीं है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है, जनता के पास सब कुछ है और उनको पता है कि कौन सी सरकार क्या काम कर रही है। फैक्ट ये है कि वोट तो मिल रहा है ना इनको। नहीं, कहाँ मिल रहा है, अभी काम की बात कर रहे हैं। अभी तो तीन हिंदी के तीनों राज्य इन्होंने जीते, इसकी बात कर रहे हैं, 24 की बात कर रहे हैं। और देखिए, पहले बात आपको बता दूं कि जिन आप राज्यों की बात कर रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उनमें अगर वोट को काउंट किया जाए तो कांग्रेस को 10 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा मिला था, आप चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, वो तेलंगाना में आपकी सरकार बनी ओवरऑल, और बाकी राज्यों में भी आप मुख्य विपक्षी पार्टी थे। अंतर जी बिल्कुल, हार है लेकिन जो सच है वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो 5 राज्यों में ठीक है रिजल्ट आए तो आप बहुत आगे चले गए, नहीं ऐसा नहीं है, फाइट बिल्कुल क्लोज है। और 24 में बताता हूँ, देखिए बार बार कह रहे हैं काम कुछ नहीं गिनवा पाते हैं। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, बेरोजगारी पे सवाल पूछा। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में, अब तक 45 साल में इतनी बेरोजगारी एक साथ नहीं आई है। अर्बन का रेशियो है 7.5%, ग्रामीण का रेशियो है 7.1%, जिस रेशियो से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। और आप बड़ी बड़े देश जो विकसित देश है उनको छोड़िए, ये जो जरा जरा से देश होते थे ना, जिनकी कांग्रेस के जमाने में हम गिनती भी नहीं करते थे, मुझे शर्म आ रही है हमें उनसे कंपेयर करना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान का बेरोजगारी दर भाई हमसे बेहतर है, बांग्लादेश का बेरोजगारी दर हमसे बेहतर है। ये कह रहे हैं कि हम देश को विश्वगुरु बना देंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बेरोजगारी दर अगर आप बात कर रहे हैं ना, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, एक बार पढ़ लेना फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी, वो जो उनके पास जो रोजगार है वो बम बम वाला, वो तो हमारे है नहीं, उनका उस नहीं होना भी नहीं, तभी तो हम उससे तुलना भी नहीं करते थे। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ने में तो इनको इधर उधर जाना पड़ेगा। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। और मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, उठाकर हाथ दोनों सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे, उठाकर। ये संदेश है भाजपा का, सारे मजहब समान है लेकिन अपनी आस्था अपनी है।
सर अनिल जी, मैं जहां वहां बैठकर मैं क्या बोलता था सब भूल जाओ, क्योंकि सच सच ही रहता है। उस सच से ना आप विमुख हो सकते ना मैं, और सच यही है, सच ये है कि इससे बड़ा झूठा नहीं, नहीं। ये हाँ। क्या टाइमिंग है। देखा, छप्पन का सीना फिर से है आना, इंडी की मंडी को ना मिलेगा ठिकाना, खाली हाथ आए थे ये, खाली हाथ जाएंगे, राहुल जी फिर से लंबी छुट्टियां बिताएंगे, हर दिल मोदी जी का रहेगा दीवाना, फिर से स्वीकार होगी भाजपा, 400 के पार होगी भाजपा, फिर से स्वीकार होगी भाजपा, 400 के पार होगी भाजपा, डेंग 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 डेंग, ये म्यूजिक जरूरी है। हो झाड़ू और पंजे का तो झगड़ा भी है, भारी झगड़ा भी है, हो ममता माया का भारी लफड़ा भी है, भारी लफड़ा भी है, झाड़ू तो फंस गई नोटों के खेल में, आधे हैं बेल पर आधे हैं जेल में। भ्रष्टाचारों पे जारी है मोदी का निशाना, फिर से स्वीकार होगी भाजपा, अब मेरे साथ बोलेंगे 400 के पार होगी भाजपा, और क्यों होगी सर, सुनिएगा, सत्ता की खिचड़ी अभी ना पकी है, राहुल जी शायद जरा अनलकी है, मोदी 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 है छाया देश में, हो मोदी मोदी है छाया देश में, हो जो भी हो जैसे भी हो जनता पटाई, मुश्किल जो लगती थी वो धारा हटाई, मोदी 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 है छाया देश में, मोदी को विपक्षियों ने जितना है कोसा, पूरे 23 के चुनावों में गाली देते रहे, ये है वो जाने क्या क्या बोला, मोदी को विपक्षियों ने जितना है कोसा, जनता ने उतना ही किया है भरोसा, हारे हैं हारेंगे ये सार है, हारे हैं हारेंगे ये सार है, गठबंधन तो बीमार है, दाल अभी तक ना इनकी गली है, अब की बार हंगामा करना, दाल अभी तक ना इनकी गली है, सारे दलों में यही खलबली है, मोदी 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 है छाया देश में, हो मोदी मोदी है छाया देश में, हो मोदी मोदी है छाया देश में, थैंक यू वेरी मच। हर योजना मिटा देंगे, KYC करा देंगे, देख लेना मनरेगा ये बंद करा देंगे। मोदी जी कहते थे कि मनरेगा चलाऊंगा, यूं ही रोने नहीं दूंगा, मोदी जी ये कहते थे बंद होने नहीं दूंगा। बढ़िया बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, कि मजदूरियां आधार से दिलाएंगे, मजदूरियां आधार से दिलाएंगे तो गरीबों की दुआएं कैसे पाएंगे, जैसे भारत को जोड़ के दिखाया था वैसे राहुल जी न्याय दिलवाएंगे, आवाज उठाएंगे फिर हाथ बढ़ाएंगे, चाहो जो भी कह देना वो साथ निभाएंगे।